Hey guys, what's up? So, अभी के टाइम में मार्केट में बहुत टाइप के जैकेट्स मिलने लगे हैं, लाइक पफर जैकेट, शैकेट, लॉन्ग कोट, फर जैकेट, बट ये सारे जैकेट्स वर्सटाइल नहीं होते हैं। इसलिए आज मैं आपको वो 5 लो बजट जैकेट्स बताऊंगा जो हम डार्क स्किन लड़कों पर बहुत अच्छे लगते हैं, और ये जैकेट्स बहुत वर्सटाइल भी होते हैं। इसके साथ आप कैजुअल आउटफिट भी कर सकते हो, फॉर्मल आउटफिट भी कर सकते हो, एंड सेमी फॉर्मल आउटफिट भी। और इन सारे जैकेट्स की परचेजिंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, और ये सारे जैकेट्स अंडर 2000 रुपीज के होने वाले। So, पहला बेस्ट जैकेट है बॉम्बर जैकेट। बट सदियों से जिस फैब्रिक वाले बॉम्बर जैकेट अभी तक चली आ रही है वो है पॉलिएस्टर पैरासूट फैब्रिक। बट अभी के टाइम में ये काफी कॉमन हो चुका है और उतना स्टाइलिश नहीं लगता है। अभी के टाइम में जो फैब्रिक वाला बॉम्बर जैकेट सबसे ज्यादा स्टाइलिश लगता है दिखने में वो है स्वेट फैब्रिक वाला बॉम्बर जैकेट एंड प्लीज कॉटन फैब्रिक वाला बॉम्बर जैकेट। और इसके अलावा लेदर बॉम्बर जैकेट भी मिलता है, बट वो दिखने में उतना खास नहीं लगता। इसलिए अगर आपके सिटी में ज्यादा ठंड पड़ती है तो आप स्वेट बॉम्बर जैकेट को पहनना, और अगर आपके सिटी में थोड़ी कम ठंड पड़ती है तो आप फ्लीस कॉटन फैब्रिक वाले बॉम्बर जैकेट को पहनना, क्योंकि स्वेट फैब्रिक वाला बॉम्बर जैकेट थोड़ा मोटा होता है एज कम्पेयर टू फ्लीस कॉटन फैब्रिक वाला बॉम्बर जैकेट। और रही बात बॉम्बर जैकेट के कलर की, तो बॉम्बर जैकेट बहुत सारे कलर्स में आजकल मिलने लगे हैं, बट हम डार्क स्किन लड़कों पर जो कलर के बॉम्बर जैकेट सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं वो है ब्लैक, नेवी ब्लू, ऑलिव ग्रीन, कॉफी ब्राउन एंड बेज। इसके साथ एक और चीज का ध्यान रखना कि बॉम्बर जैकेट ग्राफिक्स प्रिंटेड वाले भी मिलते हैं और स्टिकर प्रिंटेड वाले भी, बट आप सिर्फ और सिर्फ प्लेन एक कलर वाले बॉम्बर जैकेट को ही लेना जिसमें किसी भी तरह का ब्रांड का लोगो या डिजाइन प्रिंटेड ना हो। दूसरा जैकेट है लेदर जैकेट। विंटर में अगर आपको एक बैड बॉय मस्कुलर हंक दिखना है तो आपके वार्डरोब में एक लेदर जैकेट तो होना ही चाहिए, क्योंकि लेदर जैकेट ही एकमात्र ऐसा जैकेट है जो हम लड़कों को सबसे ज्यादा मैनली एंड मैस्कुलन दिखाता है। बट लेदर जैकेट लेते वक्त दो चीजों का ध्यान रखना, पहला है लेदर जैकेट के फैब्रिक पर। तो लेदर जैकेट 3 टाइप के फैब्रिक में बनते हैं, पहला है पीयू लेदर, दूसरा है फॉक्स लेदर एंड तीसरा है जेन्युइन लेदर। पीयू फैब्रिक के लेदर जैकेट आपको 1000 से 2000 के बीच में मिल जाएंगे, और फॉक्स फैब्रिक के लेदर जैकेट आपको 3000 से 4000 के बीच में मिलेंगे, और जेन्युइन लेदर जैकेट आपको 8000 से 12000 के बीच में मिलेंगे। और इन तीनों में मैं आपको रिकमेंड करूंगा पीयू लेदर जैकेट या फिर फॉक्स लेदर जैकेट, क्योंकि जेन्युइन लेदर बहुत ही कॉस्टली होती है और वो एनिमल के स्किन से बनती है। इसलिए अगर आपका बजट कम हो तो आप पीयू लेदर जैकेट को लेना, और अगर आपका बजट ज्यादा हो तो आप फॉक्स लेदर जैकेट को लेना, और इन दोनों में से मैं आपको फॉक्स लेदर जैकेट लेने को ही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि पीयू लेदर जैकेट 1-1.5 साल में ही खराब हो जाते हैं, उसके ऊपर व्हाइट पॉइंट से स्पॉट आ जाता है, बट फॉक्स लेदर जैकेट इजिली 3-4 साल तक चल जाती है। और दूसरी चीज आप ये ध्यान रखना कि लेदर जैकेट 3 स्टाइल में मिलते हैं, एक है बाइकर लेदर जैकेट, एक है कॉलर वाले लेदर जैकेट और एक बॉम्बर स्टाइल लेदर जैकेट, और इन तीनों में मैं आपको रिकमेंड करूंगा बाइकर लेदर जैकेट या फिर कॉलर वाले लेदर जैकेट। इन दोनों में आपको जो भी पहनना पसंद हो आप वो पहनना। और रही बात लेदर जैकेट के कलर की, तो लेदर जैकेट ब्राउन एंड नेवी ब्लू कलर में भी मिलते हैं, बट हम डार्क स्किन लड़कों पर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर का लेदर जैकेट ही अच्छा लगता है, क्योंकि ब्लैक कलर ही हमें सबसे ज्यादा मैनली एंड मैस्कुलन दिखाता है। इसके अलावा और कोई भी कलर हम डार्क स्किन लड़कों पर एकदम वाहियात लगता है। तीसरा जैकेट है डेनिम जैकेट। अब डेनिम जैकेट भी बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं, लाइक रेड, येलो, ग्रे, बट आप सिर्फ और सिर्फ ब्लू या ब्लैक कलर का डेनिम जैकेट ही लेना, क्योंकि ये दो कलर के डेनिम जैकेट्स हम डार्क स्किन लड़कों पर सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। और इन दोनों में से भी मैं सबसे पहले आपको ब्लू डेनिम जैकेट लेने को रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ब्लैक कलर का आप लेदर जैकेट एंड बॉम्बर जैकेट ले लेना। और आप नोटिस कर रहे होंगे इस साल ओवरसाइज्ड डेनिम जैकेट का भी ट्रेंड चल रहा है, बट अगर आपने ओवरसाइज्ड डेनिम जैकेट को नहीं खरीदा है तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ओवरसाइज्ड डेनिम जैकेट ना ही दिखने में उतना अच्छा लगता है और ना ही वर्सटाइल होता है। और अगर आप एक हेल्दी लड़के हो तो ये आपको और भी ज्यादा हेल्दी दिखाए, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ स्लिम फिट डेनिम जैकेट को ही पहनना। और इसके साथ एक और चीज का ध्यान रखना कि डेनिम जैकेट डिस्ट्रेस्ड वाले भी मिलते हैं और ग्राफिक्स एंड स्टिकर प्रिंटेड वाले भी, बट आप सिर्फ और सिर्फ प्लेन डेनिम जैकेट को ही पहनना, और आप चाहो तो डिस्ट्रेस्ड डेनिम जैकेट को भी पहन सकते हो, बट आप ग्राफिक्स एंड स्टिकर प्रिंटेड वाले डेनिम जैकेट्स को मत पहनना, क्योंकि वो ना ही दिखने में अच्छा लगता है और ना ही वर्सटाइल होता है। बट हाँ, अगर आप डिस्ट्रेस्ड डेनिम जैकेट को पहनोगे तो मेक श्योर ज्यादा डिस्ट्रेस्ड डेनिम जैकेट को मत पहनना, थोड़ा बहुत डिस्ट्रेस्ड डेनिम जैकेट को पहनना। बट एक चीज का ध्यान रखना कि डिस्ट्रेस्ड डेनिम जैकेट के साथ आप सिर्फ कैजुअल आउटफिट ही कर सकते हो, क्योंकि ये कैजुअल आउटफिट के साथ ही अच्छा लगता है। इसके साथ आप फॉर्मल एंड सेमी फॉर्मल आउटफिट नहीं कर सकते हो, आप प्लेन वाले डेनिम जैकेट के साथ कर सकते हो। फोर्थ जैकेट है वार्सिटी जैकेट। अब नो डाउट वार्सिटी जैकेट हम डार्क स्किन लड़कों पर दिखने में बहुत अच्छा लगता है, बट इसको मैंने फोर्थ नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि वार्सिटी जैकेट एंड बॉम्बर जैकेट बहुत हद तक सिमिलर दिखता है। बट रही बात वर्सेटिलिटी की, तो वार्सिटी जैकेट एक टोटली कैजुअल एंड स्ट्रीट वेयर होता है, इसलिए उसके साथ आप सिर्फ और सिर्फ कैजुअल आउटफिट ही कर सकते हो, बट बॉम्बर जैकेट के साथ आप फॉर्मल आउटफिट भी कर सकते हो, सेमी फॉर्मल आउटफिट भी कर सकते हो एंड कैजुअल आउटफिट भी कर सकते हो। इसलिए आप सबसे पहले जो पहले के 3 जैकेट्स मैंने आपको
पता है वो जैकेट्स आप पहले लेना। उसके बाद अगर आपके पास पैसा बच जाए तो फिर आप वार्सिटी जैकेट को लेना। और वार्सिटी जैकेट कलर कॉम्बिनेशन वाले मिलते हैं, मतलब वार्सिटी जैकेट के स्लीव्स में कोई और कलर होता है और उसके बॉडी एंड बैक में कोई और कलर होता है। इसलिए जो कलर कॉम्बिनेशन वाले वार्सिटी जैकेट हम डार्क स्किन लड़कों पर सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं वो है ब्लैक एंड ब्राउन, नेवी एंड बेज, ब्लैक एंड ऑलिव एंड बेज एंड ब्राउन। यही चार कलर कॉम्बिनेशन वाले वार्सिटी जैकेट हम डार्क स्किन लड़कों पर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। और इस कलर कॉम्बिनेशन वाले वार्सिटी जैकेट की परचेजिंग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। बट मेक श्योर आप 1000 के नीचे वाले वार्सिटी जैकेट्स को मत खरीदना, क्योंकि उसका फैब्रिक बहुत खराब होता है और बॉडी पर दिखने में बहुत गंदा लगता है। इसलिए आप 1500 से 3000 के बीच वाले वार्सिटी जैकेट को ही खरीदना, क्योंकि वार्सिटी जैकेट थोड़ा महंगा मिलता है बट दिखने में प्रीमियम लगता है। अब आखिर में फिफ्थ बेस्ट जैकेट है एक ब्लेजर। विंटर में कम से कम आपके पास एक ब्लेजर तो होना ही चाहिए, और रिलेटिव्स एंड फ्रेंड के रिसेप्शन पार्टी में ब्लेजर से अच्छा और कुछ भी नहीं लगता। इसलिए एक ब्लेजर आप अपने पास जरूर रखना। और ब्लेजर में जो कलर हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं वो है ब्लैक, नेवी ब्लू, ऑलिव ग्रीन, ग्रे एंड कॉफी ब्राउन। और इनमें से अगर आप कोई एक ब्लेजर खरीदना चाहते हो तो आप सबसे पहले नेवी ब्लू ब्लेजर को खरीदना, क्योंकि ब्लैक कलर का ब्लेजर बहुत कॉमन हो चुका है और ब्लैक के बाद नेवी ब्लू कलर का ब्लेजर ही एकमात्र ऐसा ब्लेजर है जो ऑलमोस्ट हर आउटफिट के साथ अच्छा लगता है। और एक चीज, ब्लेजर पहनते वक्त दो चीजों का ध्यान रखना कि जब भी आप खड़े रहना तो ब्लेजर के बटन को लगा कर रखना, और जब भी आप कहीं पर बैठना तो ब्लेजर के बटन को खोल कर बैठना। ये ब्लेजर का एथिक्स होता है और इससे हम ब्लेजर में सबसे ज्यादा स्मार्ट लगते हैं। और दूसरी चीज, आप ये ध्यान रखना कि ब्लेजर में जनरली दो बटन होते हैं, तो जब भी आप बटन को लगाना तो आप सिर्फ और सिर्फ एक बटन को लगाना और दोनों में से सबसे ऊपर वाले बटन को लगाना, क्योंकि ब्लेजर का यही रूल है। इससे ब्लेजर और आप दोनों दिखने में एकदम क्लासी लगोगे। तो ये थे वो 5 लो बजट जैकेट्स जो हम डार्क स्किन लड़कों के पास होनी ही चाहिए। और इन सारे जैकेट्स की परचेजिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पे क्लिक करके उन्हें खरीद सकते हो। तो ये तो हो गए जैकेट्स की बात। और विंटर में जैकेट्स के साथ साथ हम एक और चीज पहनते हैं, वो है हुडी। तो विंटर में आप हुडी पहन के अपने आसपास के लोगों से सबसे ज्यादा स्टाइलिश दिखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। तो इसी के साथ मिलता हूँ आप सबके साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डार्क स्किन को अपनी कमजोरी नहीं, उसे अपना ताकत बनाओ।